आज मेरी जिंदगी का बहुत ही खास दिन है। लगाएंगे अभी बेटी लगाएंगे उनकी। आज है मेरी बिटिया रानी का जन्मदिन। तो हाँ नमस्ते दोस्तों, जैसा कि आप जान ही चुके होंगे आज बिटिया रानी का बर्थडे है और ये है रात के 12 बजे का सेलिब्रेशन। रात में 12 जब बजे तो हमने सेलिब्रेट किया। अब मेन टास्क था हमारा सुबह का डेकोरेशन और पार्टी ऑर्गेनाइज हमने जो की थी उसके लिए, तो वहाँ पर डेकोरेट करना था। तो उसके लिए हमने लिया कुछ बेडशीट्स ली वाइट कलर की और उसमें थोड़ा सा बना के डोरी डाल दिया और बैलून देखो सब लोग मिलके फुला रहे थे। कुछ तो हमने पंप से फुलाए थे और कुछ तो बच्चे भी ना मस्ती कर रहे हैं तो कुछ अपने आप से फुल करने लगते हैं। बेटा तो लगा ही हुआ था क्योंकि छुट्टियाँ चल रही तो सबका सपोर्ट था, साथ में बच्चे भी थे। तो देखो बिटिया रानी का बर्थडे है और ये भी काम कर रही थी। और ये हमें बनाना था गेट वगैरह वहाँ पर, तो उसके लिए हम कुछ इस तरह का बना रहे थे। कुछ अपनी फ्लावर्स की लीव्स लेके, लीव्स की क्वालिटी अच्छी है मिली थी, हमने ऑनलाइन से लिया था। इसकी वीडियो भी मैंने दिया था हॉल का अपना, तो आप जाके वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। कई तरह की लीव्स थी उसमें तो काफ़ी अच्छी मिली थी। ये हम सेल्फी पॉइंट बनाने के लिए ये वाला स्टिक रेडी कर रहे थे। ये लोहे की रॉड थी हमारे पास एक्चुअली, जो मेरी बेटी का घर हाउस मिलता है ना एक हट हाउस, वो हाउस था है उसी का ये रॉड है, तो उसी को हमने निकाल लिया था, उसी से हमने बनाया। और पूरा घर बिखर भी गया था लगभग। और पार्टी तो हमारे घर के नीचे है तो अभी तो सबसे पहले का काम था ना कि ठंड बहुत ज़्यादा ठंडी है बाहर, मौसम बहुत ठंडा है, तो इसलिए सारा लगभग जितना घर में हो सकता था उतना घर में कर लेंगे। उसके बाद घर के बाहर जाके हम इन चीज़ों को लगाने के लिए सोचेंगे। तो इस तरह से हमने इसको डेकोरेट कर लिया और सेम टू सेम दो रेडी करेंगे क्योंकि दो से ही हमारा सेल्फी पॉइंट बनेगा, तो हमें दो बनाना है। नीचे बैलून्स लगाए हैं, ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना, बहुत अच्छे से बन के रेडी हो गया। और ऊपर वो प्लेन है अभी, ऊपर भी ऊपर की तरफ फिर एक बैलून लगा देंगे। और आपको दिखाते हूँ कैसा लग रहा है जहाँ डेकोरेट किया है मैंने, कितना सुंदर है। ये फ्रंट में है सेल्फी पॉइंट और पीछे उसका स्टेज है, कुछ फोटो शूट कराई उसके बाद बेटा लेके आया था बेटी के लिए गिफ्ट, दीदी के लिए गिफ्ट लाना उसको बहुत पसंद है, कुछ कुछ दीदी को गिफ्ट देता ही रहता है अक्सर, तो दीदी के लिए लेके आया था इतना खूबसूरत सा सूट और पैक करा के लेके आया और तुरंत फाड़ के दीदी को दिखा भी दिया उसने। बहुत प्यारा है, ये दोनों ही बहुत अच्छे हैं। आप सब लोग इसको प्लीज़ ढेर सारा आशीर्वाद देना। और अब होने जा रही है केक कटिंग और आप भी इंजॉय करिएगा। केक कट हो चुका था अभी और अभी हम बेटी को केक खिला रहे थे। सच में उसका बर्थडे और इतनी बड़ी हो गई, पता ही नहीं चला कब इतनी बड़ी हो गई। सब लोग मेरे मोहल्ले में बहुत खुश थे इसके बर्थडे में। और हाँ ये देखो भाई, इसको तो हमेशा ही मस्ती सूझती है अपनी बहन के साथ, बस मौका मिल जाए मस्ती करने का और हर जगह मस्ती करने ही लगता है। इसको तो बच रहे ना तो खुद ही केक काट लेता। अब बारी थी दीदी के फेस पे केक लगाने की, सब लोग मना कर रहे थे लेकिन इसको तो एकदम धुन थी कि नहीं मुझे लगानी ही लगानी है। देखो ये वो इतना गंदा कर दिया इसने फेस दीदी का, लेकिन बच्चा है उसको भी खुश होना तो ज़रूरी है ना, उसको इसी से बहुत खुशी मिल गई। देखो अपने फेस पे भी कितने प्यार से लगवा रहा, कितना खुश है ना। कितना छोटा है, बड़ा होगा तो समझ आएगी इसको कि ऐसे नहीं करना है। अब केक लग चुका था, अब बेटी भी बहुत खुश थी और अब केक खाने के लिए नहीं रेडी है लेकिन लगाने के लिए बहुत खुशी खुशी से रेडी हो गया था। केक कटने के बाद और उसको खाने के बाद अब बारी कुछ इंजॉयमेंट की थी, तो मेरे मोहल्ले में बहुत अच्छा गाना गाती थी। Yeah.
दिल से स्वागत करिए। रोने लगी पूनम भाभी क्या? अरे तो मेरी जिंदगी है मेरी हर खुशी है प्यार तुम्हें चाहत तुम्हें आशिक है मेरी जिंदगी है भाभी। आंखों में सलमा रही है, गजब छा गई है भैया। अब इतने अच्छे परफॉर्मेंस के बाद तो भाई खाना बनता है। सच में भैया ने और भाभी ने क्या ही गाना गाया, बहुत ही अच्छा गाती हैं रियल में। और हाँ, अब खाने की बारी थी तो सब लोग खाना खा रहे थे और आराम से। ठंडी का महीना, बहुत ठंड लग रही थी। एक्चुअली ये मेरी है पार्किंग, तो पार्किंग में क्योंकि हवा बहुत तेज़ रात में चलने लगी थी, सब लोग पार्किंग में ही बैठ गए थे क्योंकि ठंडी का मौसम था। इतना नहीं पता था कि इतना हवा चलेगी। एक्चुअली आग वगैरह बहुत लगाया था हम लोगों ने, बहुत मज़ा कर रहे थे हम लोग, जो सोचे थे उसी तरह किए थे। लेकिन हवा की वजह से तो थोड़ा सा हो गया ना कि जिसको जल्दी ठंड होती है ना, तो उसके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। तो हम लोग अंदर बैठे, बच्चे भी क्या मज़ा कर रहे थे, देखो इतने छोटे छोटे बच्चे और डांस कर रहे थे बहुत मस्त। बच्चों के डांस के बाद तो कुछ बड़ों की बारी थी और मेरी
आप डांस परफॉर्मेंस के बाद बारी थी, कुछ सब लोग आग सेक रहे थे और भैया भाभी साथ में गाना गाने वाले थे। भाभी मेरे पीछे बैठी हुई हैं और इनका परफॉर्मेंस और भैया का साथ में होने वाला था। सच में बहुत बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन गाते हैं। देखो पौधे कितने ही खूबसूरत हैं, जितनी जिसकी केयर करो उतने ही अच्छे लगते हैं। इनकी केयर रियली बहुत अच्छे से होती है पौधों की। मेरे सामने भैया है ना, मैंने इसकी पिछली वीडियो में बताया था, उनको पौधों को बहुत शौक़ है और उनके पास एक से बढ़ के एक पौधे हैं। सच में ये पौधों की तरह, देखो छोटे बच्चे भी कितनी मस्ती कर रहे थे। और ये मेरे हस्बैंड इनको तो हमारी पूजा की बहुत खुश रहते हैं। मेरा नसीब है जो मेरे यार ने हंस के प्यार से मेरे खुद के दीवाना मेरा नाम रख दिया, मेरा नाम रख दिया, रख दिया मेरा नाम रख दिया। लड़ोगे क्या? मैं और भैया डांस करने के लिए। ओए भैया डांस करने रेडी रहिए, डांस करेंगे आपके साथ। ये वही महिला है ध्यान से। पहली नजर में सनम मेरे दिल को चुराया, मेरी चाहत की जननी मेरी आंखों में बस गई, ओ तेरी चाहत की जननी मेरी आंखों में बस गई। बोलो
नसीब है जो मेरे यार हंस के सब लोग बहुत खुश थे और बहुत अच्छे से इंजॉय कर रहे थे। सबको इंतज़ार था बेटी के डांस का और वो देखो पीछे से काम कर कुछ कुछ कर रही थी अपना। अभी उसका भी डांस दिखाती हूँ आपको, बहुत अच्छा डांस करती है ये। और ये मेरी बहुत पुरानी फ्रेंड है, ये जब हम शादी करके आए थे तब की है ये। हुआ, इतने लोग गाना गाए, सच में बहुत अच्छा लगा। और फिर फोटो शूट ना हो ऐसा कभी हो सकता है क्या? तो कुछ फोटोज हमने यहाँ पर मेंशन कर रखी हैं, बहुत ही यूनिक सी पिक्चर्स हैं, सच में बहुत खूबसूरत हैं। यही तो यादें होती हैं ज़िंदगी में जो साथ में चलती हैं। हम हर दिन तो बड़े होते जाते हैं बच्चे ना, लेकिन हर बर्थडे की सेलिब्रेशन की जो पिक्चर्स होती हैं वही हम लोग देखते हैं और यही हमारे साथ होती हैं। तो फ्रेंड्स प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। हाँ, हैप्पी बर्थडे ज़रूर मेरी बेटी के लिए बोलिएगा और उसके लिए भगवान से ज़रूर खुशियाँ मांगिएगा प्लीज़। तो हाँ, मिलेंगे फिर अब एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय। प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए।